हेलो दोस्तों, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं टीजीटी पीजीटी के इंटरव्यू के बाद होने वाले ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आपकी सैलरी कब तक रिलीज हो जाती है, ये सब बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है उन सभी व्यूवर्स से जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो पहले से ही मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इस जानकारी का लाभ मिल सके। तो दोस्तों, चलिए तो हम बातें करते हैं कि इंटरव्यू के बाद क्या क्या प्रक्रियाएँ हैं ज्वाइनिंग के समय। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है। देखिए, सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। उस कॉलेज अलॉट में आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कौन सा जिला मिला है और कौन सा कॉलेज मिला है। उसके बाद चयन बोर्ड द्वारा एक पैनल जारी किया जाएगा। उस पैनल में सभी जिलों के DIOs को आपके नाम सहित एक सूची जारी की जाएगी, जिसमें आपके सब्जेक्ट और आपके नाम होंगे कि आपका किस पद पर और किस सब्जेक्ट के लिए और किस कॉलेज में चयन हुआ है। तो ये ज्वाइनिंग प्रोसेस में पहला स्टेप है। उसके बाद आपको करना क्या है कि जो DIOs के पास पैनल जाता है, उस पैनल की सारी जो वैकेंसीज हैं या जो कॉलेज अलॉट किए गए हैं, DIOs ऑफिस के द्वारा पहले उनको सत्यापित कराया जाता है। फिर एक लेटर आपके नाम और एक लेटर उस संबंधित कॉलेज के प्रबंधक के नाम जहां आपका चयन हुआ है, ये दो लेटर DIOs ऑफिस द्वारा जारी किए जाते हैं सूचित करने के लिए। आपको ये सूचित किया जाता है कि आप ज्वाइनिंग करें और प्रबंधक को ये बताया जाता है कि इस कैंडिडेट का चयन आपके विद्यालय में इस पद पर हुआ है। लेकिन दोस्तों, मेरी आप सभी से सलाह है कि आप इस बात का इंतज़ार बिल्कुल भी ना करें कि लेटर आपके घर पहुँचेगा। पहुँचेगा तो ज़रूर, लेकिन कितना समय लग जाए, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, तो उससे क्या होगा कि आपकी सैलरी का लॉस होगा। लगभग एक दिन के 1800 रुपये या 1850 रुपये लगभग आपका एक दिन का लॉस होगा। आपकी जो पहली सैलरी होगी वो लगभग जो ग्रामीण क्षेत्र में जिनका चयन होगा उनकी 54,373 के लगभग होगी, और यदि शहर में आपका चयन हुआ है तो करीब 3,500 रुपये और फालतू उसमें हो जाएंगे, लगभग 57,000-58,000 के आसपास सैलरी बैठती है। तो मेरी आपको सलाह है कि आप सीधे DIOs ऑफिस से संपर्क करें, उससे आपको आगे की प्रक्रिया पता चल जाएगी और शायद तभी आपको वो लेटर मिल जाए। आप उस लेटर को लेकर तुरंत अपने प्रबंधक से संपर्क करें, क्योंकि मैंने भी जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो मैंने भी यही प्रक्रिया अपनाई थी। तो मेरी भी आपसे गुजारिश है कि आप ऐसा ही करें, क्योंकि कारण क्या है, लेट करने पर आपका ही सभी का नुकसान है। सभी चीज़ लीगल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कर सकते हैं। सेकंड बात आती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने तैयार रखने हैं ज्वाइनिंग के समय। तो उसमें आपको 4 फोटो, एक हेल्थ सर्टिफिकेट जो कि CMO द्वारा बनाया गया हो, यानी कि आपके जिले का जो मेडिकल ऑफिसर है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, उसके द्वारा निर्गत किया गया हो, यानी कि आपका जिले का जो अस्पताल है वहाँ से वो बनेगा। नेक्स्ट है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहे तो किसी प्रिंसिपल के द्वारा बनाया गया हो, किसी थाने के SHO द्वारा, सभासद द्वारा, किसी विधायक द्वारा या फिर ग्राम प्रधान द्वारा बनवाया गया हो, तो कोई सा भी इस तरह का कैरेक्टर सर्टिफिकेट चलेगा। और हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा कि जो हेल्थ सर्टिफिकेट या कैरेक्टर सर्टिफिकेट
आपने पहले बनवा चुके हैं उसे इसमें नहीं लगाना है, आपको नए सिरे से नया ही बनवाना है। दो सेट्स सभी डॉक्यूमेंट्स के, आपको फोटो स्टेट कॉपी जिसमें सेल्फ अटेस्टेड वो होने चाहिए, दो सेट्स आपको तैयार करने हैं सभी डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट है, एक 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एक एफिडेविट बनेगा। उस एफिडेविट में आपको ये सब लिखना होगा कि मेरा चयन आपके विद्यालय में हुआ है और इस पद पर हुआ है, और मैं आपको आश्वस्त कराता हूँ कि मेरे ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं चल रही है, मेरा चरित्र उत्तम है, और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मेरी जो सेवाएं होंगी वो स्कूल के हित में होंगी और कभी भी मेरी तरफ से कोई भी परेशानी या कोई भी दिक्कत विद्यालय को नहीं आएगी। इस तरह की कुछ बातें उसमें लिखनी होंगी। खैर वो जब जिस टाइम आप कॉलेज में जाओगे तो प्रिंसिपल साहब आपको उस बात से सबसे अवगत करा देंगे, लेकिन फिर भी आप लोग इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहें। फिर नेक्स्ट है सैलरी। तो देखिए जो सैलरी है वो कब पास होगी, जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो ज्वाइनिंग के बाद आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब सत्यापित होने के लिए बोर्ड ऑफिस यूनिवर्सिटी में जाएंगे। जब वहाँ से सत्यापन आ जाएगा तो सत्यापन के बाद ही आपकी सैलरी की प्रक्रिया शुरू होगी। तो बहुत ज़रूरी है कि जितनी जल्दी आप ज्वाइनिंग ले लेंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स को सत्यापित करवा लेंगे उतनी ही जल्दी आपको सैलरी मिल जाएगी। तो इसके लिए आपको बहुत जल्दी जल्दी प्रक्रिया को करवाना है ताकि आपको जल्दी से सैलरी मिलनी शुरू हो जाए। तो दोस्तों ये तीनों बातें जो मैंने आपको बताई ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अधिकतर सभी कैंडिडेट्स के मन में ये प्रश्न होता है कि इंटरव्यू हमारा हो गया है उसके बाद प्रक्रिया क्या होगी। तो मैंने इस वीडियो में आपको ज्वाइनिंग प्रोसेस से लेकर सैलरी तक सारा बता दिया है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही यूजफुल लगा होगा, और आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगली वीडियो में मैं फिर एक नई जानकारी के साथ आप सभी से फिर मिलूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।